प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत जो है जो काव्य के तत्व होते हैं रस, जिसकी इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। रस क्या होता है, रस के अंग 4 होते हैं, जिसमें से अस्थाई भाव आपको पूरा डिटेल बताया गया था, जो 9 प्रकार इनके होते हैं। 9 प्रकार का आपने जो है विधिवत एक एक करके अध्ययन किया था। आज बाकी के जो 3 अंग हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम जान लें कि रस क्या होता है। तो किसी काव्य, कहानी, नाटक, चलचित्र, ठीक है, एकांकी जो भी है, उसको देखने, सुनने, पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है, है ना, उसे ही रस कहा जाता है। जिसे हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या होते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं। या अगर वह काव्य जो है किसी शोक वाला है तो हम दुख में हो जाते हैं, हास्य का है तो हंसने लगते हैं, क्रोध का है, यानी जिस रस के रसत्व की प्राप्ति होती है उस तरह का हमारा भाव जो है सामने निकलता है। अब आज ये अस्थाई भाव, मैंने बताया कि मनुष्य के हृदय में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, जो उचित अवसर पाकर यह जागृत हो जाते हैं। ये जो अस्थाई भाव होते हैं यह मनुष्य के हृदय में सुसुप्त अवस्था में होते हैं, जो उचित अवसर पाकर यह जागृत हो जाते हैं और पुनः जो है अपना उस तरह का कार्य करने लगता है। दूसरा विभाव, विभाव क्या है, तो विभाव जो होता है वह कारण है जिसके वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है, वह कारण, ठीक है, जिसके कारण जो है अस्थाई भाव जागृत होता है। एक उदाहरण देखिए, यदि किसी जंगल में जाने पर हम शेर को देखते हैं तो शेर को देखने से हमारे मन के अंदर का जो अस्थाई भाव भय है, जो सुसुप्त अवस्था में था, लेकिन शेर को देखने से जब हम शेर को देखे तो वह जागृत हो गया, वह क्या हो गया, जागृत हो गया, ठीक है। यानी उस शेर के कारण, उस शेर को देखने के कारण हमारा अस्थाई भाव जागृत हुआ, जो भय नामक अस्थाई भाव था। तो यहां पर शेर क्या हो गया, विभाव हो गया, हम क्या हैं, आश्रय हैं, जिसके जिसके अंदर जो है अस्थाई भाव क्या हो रहा है, जागृत हो रहा है, ठीक है। और वह कारण जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे विभाव कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आलंबन विभाव होता है, क्या होता है, आलंबन विभाव होता है, और दूसरा जो होता है उद्दीपन विभाव होता है। अब आलंबन विभाव क्या है इसको आप लोग जानिए। तो जिस पर भाव अवलंबित रहता है, टिका रहता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे हमने जंगल में शेर को देखा तो शेर को देखने के कारण अस्थाई भाव जागृत हुआ, अर्थात शेर पर हमारा भाव अवलंबित है, तो शेर क्या हुआ, आलंबन विभाव हुआ, शेर क्या हुआ, आलंबन विभाव हुआ, शेर के कारण ही ना अस्थाई भाव जागृत हुआ, तो शेर जो हो गया वह क्या हो गया, आलंबन विभाव हो गया, ठीक है। अब देखिए उद्दीपन विभाव क्या होता है, जब वह हमने शेर को देखा तो हमारे अंदर भय नामक अस्थाई भाव जागृत हो गया, लेकिन जब ही शेर ने दहाड़ा, शेर ने गर्जना प्रारंभ किया, तो जब शेर ने गर्जना प्रारंभ किया
हमारा जो भय नामक स्थायी भाव था वह और क्या हो गया, उद्दीप्त हो गया, तीव्र हो गया, वह उद्दीपन विभाव हो गया। शेर का गरजना क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। उद्दीपन का मतलब यह होता है कि उद्दीप्त कर देना, भभका देना, जिसको भोजपुरी में कहा जाए कि भभका देना। ठीक है, अभी कोई डराया हुआ है और अचानक कोई पीछे से आकर क्या कर दिया और उसको डरा दिया तो और डरने लगा। एक छोटा सा बच्चा है अभी आपको देखकर ही जो है वो क्या हो रहा है। यदि आप टीचर बन जाएंगे तो आप जो है बच्चा जो है टीचर के सामने जाता है तो खुद ही डर के मारे उसके अंदर अस्थायी भाव भय नामक जागृत हो गया है। लेकिन जब वह टीचर और डांट देता है कहां थे तुम, तब तक क्या होता है उसका जो भय और भय नामक स्थायी भाव और उद्दीप्त हो जाता है, तो वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है, जिसके कारण अस्थायी भाव में गति प्रदान हो जाता है, उसमें तीव्रता आ जाती है, उसको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ठीक है, आलंबन विभाव जिस पर भाव अवलंबित रहता है, जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, जिस पर अस्थायी भाव का भाव अवलंबित रहता है, टिका रहता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और जिसके कारण अस्थायी भाव में और गति प्रदान हो जाती है, तीव्रता हो जाती है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका विभाव। अब आ जाइए आपको जो है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, तो जब मनुष्य के अंदर जो है अस्थायी भाव जागृत होता है, जो कि सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, जो एक उचित अवसर पाकर वे जागृत होते हैं, और जागृत होने के पश्चात ठीक है किसी पर भाव अवलंबित रहता है तो और उसमें गति प्रदान हो जाता है, तो वह अपने शारीरिक कुछ बाह्य चेष्टाएं करता है, कुछ शारीरिक बाह्य चेष्टाएं करता है जिसे अनुभव कहते हैं। अब यह बाह्य चेष्टाएं क्या हैं? इसको हम लोग जानें। ये बताइए, जब मनुष्य जो है हंसता है, किसी जो है जोकर को या हास्य कलाकार को कोई देख लेता है, ठीक है, हम गए हुए हैं कहीं नौटंकी देखने या फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम देखने, कोई हास्य कलाकार आया हुआ है, अपना विकृत रूप, अलग अलग प्रकार के रूप रंग ढंग ड्रेस पहनकर अपना आया, उसको हमने देखा तो उस पर हमारा भाव अवलंबित हो गया। तो जब हमारा भाव अवलंबित हुआ तो क्या हुआ, हमारे मन के अंदर का जो हास नामक अस्थायी भाव था वह जागृत हो गया। तो जब हास नामक अस्थायी भाव जागृत हो गया, उसको देखने से यानी उस जोकर पर, उस हास्य कलाकार पर हमारा भाव अवलंबित है, ठीक है, हम तो आश्रय हो गए लेकिन उस पर हमारा भाव क्या हो गया, अवलंबित है। और जो ही उसने कुछ बोलना शुरू किया या डांस करना या अपना भाव भंगिमा प्रदर्शित करने लगा, तो हमारे मन के अंदर का जो अस्थायी भाव था वह और जागृत हो गया, उसमें और तीव्रता आ गई, गति आ गई। तो उसको हम अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं द्वारा, अपने चेष्टाओं द्वारा उसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब हास नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाएगा, जब मनुष्य को हंसी आती है तो क्या करता है, अपना मुंह बा के बत्तीसी दिखाता है कि नहीं दिखाता है, हाँ है कि नहीं, अपना बत्तीसी वह दिखाता है, हम उसको हंसी आ रही है ना। या कुछ लोग कुछ सोच कर ही जो है क्या होते हैं, खूब हंसते रहते हैं, ठीक है, कुछ सोच कर कुछ लोग कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं, खूब हंसते रहते हैं, यानी वो क्या है, वह उसमें डूबे हुए हैं, उनका हास नामक स्थायी भाव एकदम जागृत है और वह क्या हो रहा है, खूब उसमें डूबे हुए हैं, खूब हंसते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ शारीरिक चेष्टाएं करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके बाह्य चेष्टा यानी शरीर का बाह्य चेष्टाएं का मतलब वह अनुभव कहलाता है।
यानी उस भाव को हम अनुभव करके प्रदर्शित करते हैं अपने शारीरिक मानसिक क्रियाकलापों द्वारा। अब जैसे मान लो कोई शोक में है तो क्या करता है, आंसू बहाता है, मन जो है उदास एकदम रख लेता है कि नहीं, हा? उसको देखने से ही पता चलता है कि लग रहा है कि इसको कोई शोक है, कोई इसके अंदर विषाद है, दुख है कि नहीं है। तो वह बाह्य चेष्टाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रोधित होता है तो उसका जो है रोंगे खड़े हो जाते हैं, आंख एकदम लाल लाल हो जाती है, दांत को एकदम पीस कर जो है एकदम किटकिटाता रहता है, एकदम मैंने जैसे लगता है कि अभी पा जाएगा खा जाएगा, है कि नहीं, अभी यह पा जाएगा खा जाएगा। तो जो है उसके बाद जब भय होता है, जब आदमी डरता है तो क्या करता है, उसकी आवाज में कंपन होती है उसका, ठीक है, शारीरिक कंपन होता है, उसकी आंखें जो है बराबर छलछल रहती हैं, इधर उधर देखती रहती हैं कि किधर से कहीं से भूत ना आ जाए, है कि नहीं है, यानी वो भय में जब रहता है, ठीक है, तो भी बाह्य चेष्टाएं करता है ना, तो वह बाह्य चेष्टाएं होता है जिसको अनुभव कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाए संचारी भाव, यह हमारे मनुष्य के हृदय के अंदर कुछ अस्थिर मनोविकार होते हैं जो पानी की बुलबुले की तरह होते हैं, जो क्या होता है उठते रहते हैं, पानी का बुलबुला तो उड़ियाता रहेगा, कुछ देर के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है ना। पानी की बुलबुले की तरह होते हैं जो क्या होते हैं, उठते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं, ये अस्थिर होते हैं। इनकी कुल संख्या 35 होती है, ठीक है, इनकी कुल संख्या 35 होती है, इसे व्यभिचारी भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो है क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, जैसे हर्ष है, प्रेम है, विषाद है, ठीक है, दुख संताप है ना, तो ये सब जो है क्या होते हैं, संचारी भाव जो है होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार जो है रस के चार अंगों का आपने अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब हमें जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो है जो दो प्रकार के रस हैं, है ना, जो दो प्रकार के रस हैं उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा बीज रस। आपके पाठ्यक्रम में बस यही दो है, ठीक है, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। पहले को कहते हैं संयोग श्रृंगार रस और दूसरे को कहा जाता है वियोग श्रृंगार रस। इसी को भी प्रलम से है सिंह, ठीक ना, अभी प्रलम सिंह आ रहा से कर, कहा जाता है, ठीक है। ये संयोग श्रृंगारस, वियोग श्रृंगारस या विप्रलम श्रृंगारस और वीर रस, ये आपके 9 के पाठ्यक्रम में है, ठीक है, यही दो रस हैं। तो परिभाषा भी इसका वही रहेगा, परिभाषा भी वही रहेगा इसका, किसी काव्य को पढ़ने से यदि हमारे हृदय के अंदर रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है,
कौन सा भाव? रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, इसकी सिंपल परिभाषा यही है, किसी काव्य को पढ़ने से यदि हमारे सहृदय में रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। और संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? तो जिस श्रृंगार रस में, जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, ठीक है, उन दोनों के मिलन की बात होती है, उन दोनों की प्रेम मोहब्बत की बात होती है, ठीक है, उनके प्रेम क्रीड़ा की बात होती है, तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन जब उनमें जो है क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, ठीक है, जुदाई हो जाती है, वियोग हो जाता है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। तो जिस काव्य में नायक और नायिका के, ठीक है, अलगाव का, उनके अकेलेपन का, उनके वियोग का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस या विप्रलाप श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपके बुक में है, उसको पढ़ लेना, उसका मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है ना, कि सीता जी जो है बागीचे में जो फूलों के चारों तरफ फूल लताएं हरियाली, ठीक है, मंद मंद हवा चल रही है, चारों तरफ जो है हल्के हल्के बिहार खुशबू फैला हुआ है, और उन लताओं को फूलों को देखकर तभी अचानक उनको श्री रामचंद्र जी याद आते हैं और वह दिखाई देने लगते हैं, तो उनके मन के अंदर जो है, ठीक है, रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उनके अंदर जो है राम जी को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, उनसे मिलन की इच्छा जागृत होती है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, वहां पर जो है क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस जो है होता है, उसमें आश्रय सीता जी हैं, वे फूल को लता को, ठीक है, इस वातावरण को, बादल को, आकाश को, हवा को, मन में इन सबको देखती हैं, तो उनके जो है क्या है, अंदर के जो रति नामक अस्थाई भाव है वो जागृत हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, ठीक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं पहले, तो उनके अंदर रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, और जब इन फूलों को, इस वातावरण को देखती हैं, इनके रति नामक अस्थाई भाव में और जो है उद्दीपन आ जाता है और वो जागृत हो जाता है, जिससे वह जो है अपनी बाह्य चेष्टाओं, जैसे शर्मा जाना, अपनी आंखों को एक टेक करके देखना प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरफ, है ना, अपने होठों से कुछ बोलना, अपने चेहरे का भाव उनकी तरफ जो है अवलंबित करते रहना, ये सब बाह्य चेष्टाएं करते जो अनुभव होता है, ठीक है ना, यह संयोग श्रृंगार रस होता है। उसके बाद आ जाइए वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? इसमें नायक नायिका के अलगाव का मतलब वो एक साथ नहीं है, कहीं दूर दूर है, जुदाई हो गई है उनमें, उनका वर्णन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि सीता मैया को रावण उठा कर लेकर चला गया था, और प्रभु श्री रामचंद्र जी खोज रहे थे सीता मैया को, वे बार बार जो है क्या कर रहे थे, कभी पेड़ों से, कभी टहनियों से, कभी पशु पक्षियों से वे पूछा करते थे कि हे प्रिय, आपने जो है हमारी सीता जो मृग नैनी है, जो मृग के समान आंखों वाली है, क्या उसको कहीं आप लोगों ने देखा है? ठीक है, वह इतने व्याकुल थे, उनके वह प्रेम में इतने आतुर थे कि वे जो है बार बार अपने दुख का वर्णन जो है, अपने वियोग का वर्णन जो है उन पशु पक्षियों पेड़ पौधों की पत्तियों से किया करते थे। ठीक है, यह आपका वियोग श्रृंगार रस हो गया, एग्जाम्पल है उसमें किताब में आप लोग देख लेना। ठीक है, अब आ जाइए वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है कि किसी काव्य को पढ़ने से यदि हमारे सहृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, उसे हम वीर रस कहते हैं।
जैसे रणधीर चौकड़ी बनकर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, आज हिमालय की चोटी से हमने ये ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आप देखते हैं कि वीर रस की कविताएं, वीर रस के गीत कितने जो है आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है और आप उत्साहित हो जाते हैं। हमारे जो जवान होते हैं उनको उत्साहित किया जाता है, उनका एक प्रशिक्षण लगाकर, एक ट्रेनिंग लगाकर उनके अंदर उत्साहित किया जाता है, देश के प्रति उनको समर्पण का भाव जागृत किया जाता है। और यही कारण होता है कि हमारे जो देश के जवान होते हैं सीमा पर मर मिटने के लिए आतुर होते हैं, वे अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए आतुर होते हैं, वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि यदि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, इस देश मिट्टी के लिए अपने प्राण को त्याग दूं, तो मैं जो है हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यानी वह किसका रूप होता है, वो उत्साहित उनको किया जाता है, उनको इस रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, उनको वीर रस से सराबोर किया जाता है और इतना वो डूब जाते हैं उसमें कि वे अपने आप को जो है क्या है, पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग जब युद्ध करने जाते थे तो उनके यहाँ राज दरबारी कवि हुआ करते थे। तो जब राज दरबारी कवि लोगों का कार्य क्या होता था कि वे अपने राजाओं की वीरता का प्रोत्साहन देने के लिए वीर रस की कविताओं का रचना किया करते थे, जिसके कारण राजा उत्साहित हो जाते थे और उत्साहित होकर वह युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते थे, प्रेरणा प्रदान करते थे और वह विजयी भी होते थे। तो उत्साहित होता है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव हमारे अंदर जागृत होता है उसे जो है क्या कहा जाता है, वीर रस कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का जो है एग्जाम्पल है उसको लिख लेना, जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो या तो उदाहरण दे देता है कि इसमें कौन सा रस है, या फिर यह कहा कहे कि संयोग श्रृंगार रस का परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए, है ना। तो किताब में है एग्जाम्पल, आप लोग लिख लेना, हम लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, किताब होगी जरूर उसको आप लोग लिख लेना उसमें, है ना। उसके बाद जो है परिभाषा मैंने बताया है कि जिस काव्य में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जिस काव्य में नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार रस या विकलम श्रृंगार रस होता है। और एग्जाम्पल उसमें भी दिया हुआ है कि हे कलिमिग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी मेरी सीता मृग नैनी, ये वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है आ जाता है। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, है ना, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव कि जिस काव्य को पढ़ने से यदि हमारे मन के अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका रस जो है समाप्त हो गया। अगले चैप्टर में जो है विद्यालय प्रबंधक द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं काव्य पढ़ाया जाए, अभी हमारा विचार था कि और हम अलंकार और आपको छंद भी पढ़ाएं, लेकिन हम अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम आपको जो है पाठ एक जो साखी नामक पाठ है जो कबीर दास जी का है, तो कबीर दास जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा जो साखी नामक पाठ है उससे जो है दो चार दोहों को जो है हम लोग उसका जो है व्याख्या करेंगे, उसका भावार्थ निकालेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो आज के दिन बस इतना ही, धन्यवाद।